हेलो मिसेस अंकिता करमरकर, या आप राघव मात्रे की बेटी है ना? जी देखिए आपके पिताजी पुलिस कस्टडी में हैं। आप यहाँ थाने पुलिस स्टेशन आइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ओके मैं अभी आती हूँ। अंकिता क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से फोन था बाबा, वो पुलिस स्टेशन में। क्या ताई ऐसा कैसे हो सकता है बाबा, आज ही शाम को तो यहाँ पर आए थे, बहुत खुश भी लग रहे थे, पता नहीं सब नाटक था। मैं जानता था वो आदमी कभी नहीं सुधर सकता, ताई कीचड़ में रहने की आदत हो गई है उसे, वहीं खुश रहता है वो, जरूर कोई लफड़ा किया होगा। देख प्रशांत प्लीज ऐसे मत बोल, चाहे जो भी हो प्रशांत देख वो हमारे बाबा है, बचपन से लेकर अब तक हमने ये सारी जिम्मेदारियां निभाई, हमेशा बाबा पी करके ही पड़े रहते थे, हम उन्हें उठाकर घर लेकर आए, तो आज भी हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे ही छोड़ दे उन्हें जेल में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सुजान प्लीज चलो, हमें जाना होगा बाबा को छोड़ना। कोई जरूरत नहीं है ताई, उसके कर्म है वही भुगतेगा, ऐसे भी बाप का कौन सा रिश्ता निभाया उसने आज तक। प्रशांत प्लीज तू क्या बोल रहा है? देख प्रशांत हमारे बाबा ने हमें जन्म दिया है, चाहे जैसे भी हैं वो है तो हमारे हमारे बाबा ना, ऐसे ही छोड़ देंगे उन्हें? देख प्रशांत बचपन से लेकर अब तक हमने ही बाबा को संभाला है, कुछ ऐसे भी हैं हमारे बाबा है, हम उन्हें सालत में नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते, ये तू भी जानता है, तो प्लीज उसे अच्छा हमारी मदद कर, मत ऐसे बोल प्लीज। शशांक चलो। ताई सिर्फ तुम दोनों नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगा तुम दोनों के साथ। सुन तू यहाँ पर रह, मैं और शशांक जाते हैं, अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई, अगर तेरी जरूरत हुई, आई प्रॉमिस मैं तुझे खुद वहां बुलाऊंगी, तो यहाँ प्लीज मनु का ख्याल रख, वो अकेली है तो उसके साथ रह, ठीक है? हाँ चलो अंकिता। अब इतनी रात गए बेल नहीं हो सकती, कोर्ट तो कब का बंद हो चुका है, अब कल सुबह ही खुलेगा। लेकिन आप मुझे इतना बता सकते हैं कि बाबा यहाँ क्यों है, उन्होंने क्या किया है? मिस्टर नरेन करमरकर के घर में घुसकर उसने हमला किया है उन पर। नरेन सर के घर, शशांक नरेन सर के घर बाबा क्यों जाएंगे, और वो भी झगड़ने नरेन सर से? मैं 5 मिनट के लिए बाबा से मिल सकती हूँ प्लीज? प्लीज इंस्पेक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए बाबा से मिल दीजिए प्लीज। ठीक है शिंदे। यस सर। इन्हें राघव मात्रे के पास ले जाओ। ओके सर चलिए। आइए बात कर लीजिए, ये है बाबा। तू यहाँ क्या करने आई अंकिता? आपने नरेंद्र सर को क्यों मारा, क्यों हाथ उठाया वहां जाकर आपने? शुक्र में ना हाथ उठाए हैं, मुंह फोड़ने वाले थे उका, बच गया ससना। समझता कहा अपने आपको, पैसे वाला है तो कुछ भी करेगा, हमारी बेटी को ना खिलो ना, पहले खेलेगा फिर फेंक देगा। देखो अंकिता जब तक तू है ना वो कोनो और के साथ शादी नहीं करेगा, ऐसा हानिया होने नहीं देंगे हम तुम्हारे साथ। अच्छा अब आपको याद आ रहा है कि आपकी कोई बेटी है? इतने सालों से जब आपका प्यार चाहिए था तब नहीं था, अब अचानक क्या हो गया आपको? अब याद आ रहा है कि मेरी अंकिता नाम की एक बेटी है जिसको मेरी जरूरत है, लेकिन कान खोल के सुन लीजिए, मुझे आपकी ऐसी कोई जरूरत नहीं। बाबा मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ, नरेंद्र से शादी मैंने सिर्फ इसलिए की थी ताकि मुझे उस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। काश बाबा अब पहले हमें इतना प्यार देते तो शायद मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन सिर्फ मेरी मजबूरियों ने मुझे आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, इसीलिए ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, अब नरेन आपका दामाद नहीं है, अब हमारी शादी टूट चुकी है, नरेन सर के साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं उनके साथ रहूंगी, उनकी मदद करूंगी, लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं, अब मुझे जाना होगा, और आप प्लीज तकलीफ मत दीजिए प्लीज बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। कैसे नहीं देंगे,
ढेर दखल सर हमरी बेटी को ऐसे आए को तोड़ से तोड़ा हक नहीं छीनने देंगे। चुप रहिए आप कुछ नहीं करेंगे। किताब बाबा होश में नहीं है, अभी बात मत करो, कल सुबह बात कर लेंगे। मैं नरेंद्र से को फोन करती हूँ, मुझे तुम्हारा फोन दो। नरेंद्र का फोन ऑफ आ रहा है शशांक, कल बात कर लेना सुबह को। नहीं शशांक, ये लो, चलो रिलैक्स, चलो। तुम्हारे पापा ने क्या कम तमाशा किया है अंकिता, जो अब तुम भी आ गई हो। मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ, मुझे एक बार नरेंद्र से मिलना है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, उनकी गलतफहमी दूर करनी है। मैं बस उनसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ, आप प्लीज नरेंद्र को। कैसी रिक्वेस्ट? मैम देखिए, मेरे पापा जेल में है और नरेंद्र ने ही कंप्लेन की है, बस मैं चाहती हूँ वो एक बार मुझसे मिले, मैं उन्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी है, नरेंद्र ये कंप्लेन वापस नहीं लेने वाला है। तुम्हारे बाबा ने यहाँ पर आकर जो हाथापाई की, जो कुछ भी किया, उस वजह से नरेंद्र बहुत ही गुस्से में है। तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए, और जो तुम्हारे बाबा ने किया ना, फॉर दैट ही डिजर्व्स टू बी इन जेल। मैम प्लीज आप मेरी बात, आई एम सॉरी आई कांट डू दैट, जस्ट प्लीज गेट आउट। नरेंद्र सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आपने जो कंप्लेन की वो प्लीज आप वापस ले लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरे लिए, किसी के लिए। नोबडी विल डू दैट। तुम जानते हो उस आदमी ने क्या किया? मेरे डैड की गिरेबान पे हाथ डाला, बस बहुत हो गया, और मैं ये कंप्लेन वापस नहीं लूंगा। अंकिता दैट्स फाइनल। नरेंद्र प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, वो नशे में थे, उनसे गलती हो गई। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप एक बार बाबा को माफ कर दीजिए, उन्हें नहीं पता था कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है सर, प्लीज मेरे। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। अगर नशे में थे तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। मॉम वी विल नॉट डू दिस, ये कंप्लेन वापस नहीं होगी। मिल गया जवाब, नाउ जस्ट गेट लॉस्ट, गो राम सिंह। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। पर एक सेकंड परी, क्या हुआ है अंकिता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? अर्चना जी, मेरे बाबा, उन्हें पता नहीं था कि मेरी और नरेंद्र सर की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, आज उन्हें पता चला तो वो नरेंद्र सर के वहाँ गए थे और उन्होंने बहुत झगड़ा किया, इसी वजह से नरेंद्र सर ने पुलिस कंप्लेन कर दी और उन्हें जेल भिजवा दिया। मैं खुद नरेंद्र सर के पास पर्सनली गई थी, लेकिन मैंने उनसे कहा भी कि प्लीज़ मेरे बाबा को छुड़वा दीजिए, एक्चुअली वो नशे में थे और उन्होंने गलती कर दी, हो गई उनसे गलती, इसलिए मैं परी के पास आई थी कि मुझे लगा शायद परी की बात नरेंद्र सर मान ले। हाँ प्लीज़ परी को समझाइए ना कि वो बोले नरेंद्र सर को कि कंप्लेन वापस ले ले। आज ही अजोबा प्लीज़, मैं इस लड़की के लिए कुछ नहीं करने वाली हूँ, और आप लोग मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं मानव कुछ कीजिए ना आप, प्लीज इंस्पेक्टर से बात कीजिए, अगर कुछ हो सकता है तो, ये कहाँ अकेली भटकेगी। आजी तो जानती है ना इसने मेरे साथ क्या क्या किया है, फिर भी इसकी मदद करना चाहती है। क्यों नहीं कर सकती परी, मैं जो करी बिल्कुल सही करी, ये कहाँ अकेली भटकेगी, और वैसे भी इसके बाबा की जगह अगर कोई और भी होता तो वो शायद यही करता। माँ बाप का दिल ऐसे ही होता है परी, वो भले से जुआरी है, शराब पीते हैं, लेकिन आखिर है तो उसके पिता ही ना। अंकिता बेटे, मैं और रचना वैसे भी कल पुलिस स्टेशन जा ही रहे, हमारे बेटे के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, उस वक्त मैं तुम्हारे बाबा के बारे में भी बात कर लूंगा। हम कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द छूट जाए। वैसे उनका नाम क्या है? राघव मात्रे। तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर, हम कल बालन के बताए हुए पते पर गए थे, पूरा दिन हम वहीं बैठे रहे, लेकिन सोम नहीं आया,
ओह आई सी, यानी कि या तो बालन ने हमें गलत एड्रेस दिया है या फिर सोहम को ये भनक लग गई होगी कि आप लोग वहां आने वाले हैं। एनीवे चिंता मत कीजिए, हम अब इस बालन को अपने तरीके से सीधा करके सच उगलवा ही लेंगे। जरा जल्दी कीजिए प्लीज। डोंट वरी सर, हो जाएगा। हम चलते हैं। अंकिता, उसके बाबा। अरे हाँ, वो इंस्पेक्टर साहब कल आपने राघव मात्रे को अरेस्ट किया है, कल रात को। हम उसकी बेल कराने आए हैं। पेपर्स रेडी? सचिन जमानत के पेपर्स दिखा दो। शिंदे। यस सर। राघव मात्रे को बाहर निकालो। जी सर। अर्चना जी, मानव जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो बाबा शायद अभी तक अंदर ही होते। थैंक यू। चलिए, आपकी जमानत हो गई। ये लीजिए। बाबा, आप ठीक हैं? हमारी फिक्र मत कर। और रही बात नरेन की, अगली बार छोड़ेंगे नहीं सारे को। आप यहाँ खड़े रहिए, मैं आ रही हूँ। आप यहाँ खड़े रहेंगे अच्छे से? हाँ। बिठाऊँ आपको कहीं? यहीं रुकिएगा। सिर्फ तुझे कर कि तुझे कौन चाहिए, ये बालन या फिर तेरी आई। छोड़ के बोली तू, तुझे एक बार नहीं लगा कि तेरी आई तेरे बिना? तुझे एक बार नहीं लगा? मुझे पता था कि मेरा बच्चा वापस आएगा। मैं जानती थी तो एक दिन आएगा सोम, मैं जानती थी।
मानव, मैंने आपसे कहा था ना कि सोम आएगा, मैंने कहा था ना आपसे कि आएगा हमारा हमारा सोम वापस। सोम सोम, अब सब कुछ सही हो जाएगा। मानव का ये है ना, सब कुछ सही हो जाएगा ना, सब कुछ सही हो जाएगा। मानव मानव सोम से कहिए ना, इसे कहिए, हमने इसका कितना इंतजार किया। मानव इसे बोलिए ऐसे ना करे, प्लीज कुछ बोलिए ना। बेटा अर्चना सही कह रही है, ये 20 साल हमने तेरे बगैर कैसे काटे हैं ये हम ही जानते। पर जब हमें पता चला कि तू जिंदा है, बहुत ढूंढा तुझे हमने, और देख आज हमारी खोज पूरी हुई। चल बेटा घर चल। सोम जाए घर चल। सोम सोम क्या हो गया तुझे, ऐसे क्यों कर रहा है? तुझे कुछ नहीं लग रहा? तू अपने आई से इतने सालों बाद मिल रहा है, तू ऐसे क्यों कर रहा है सोम? ऐसे मत कर, मेरे तुझे बहुत 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 ज्यादा याद किया सोम। तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब तेरी बारी है कि तू घर चले, तू सबसे मिले। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे वो सारे हक दिलाऊंगी। मारने देना थप्पड़, और तू हक्का दिलाएगी। आज से 20 साल पहले भी यही थप्पड़ मारा था ना इन्हें अमरे को, जब हमने कहा था कि अमरी शादी गौरी से कर दो। अगर हक दिलाना था तो वो वक्त गौरी से शादी कर देते अमरी। तुम तो क्या बातें कर रहे हो? देख अपनी हालत, देख कहां से कहां हो गया हमने। अगर वो वक्त हमरे को हमने हक दिलाया होता ना, तो आज ऐसे नहीं खड़े होते हम तोरा आगे। अगर वो वक्त हमरे को अपना हक दिलाया होता तो अपने बच्चे गरीबी में नहीं जी रहे होते आज। हक दिलाएगी हमरे को? अरे हमरे को क्या हक दिलाएगी, जब अपनी बेटी का हक छीन रही है, अपनी बेटी की पति के साथ कोई और की शादी करवा रही है। बेटा कहा बेटा, हम कौन सो हम नहीं बता रहे हम तोरे को, हम तोरा बेटा नहीं है और ना ही तोरे सोहम है, हम राघव मात्रे हैं, और हमरे तुमरे साथ कोनो रिश्ता नहीं है, ना पहले था ना अब है। सोहम सोहम मेरी बात सुन, सोहम 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 पता नहीं बाबा कहाँ चले गए, मैंने उन्हें छुड़वाया और फिर मैं जब वापस आई मैं कोई फॉर्मेलिटीज पूरी करने गई थी, तो बाबा गायब। ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको छुड़वाने की जरूरत क्या थी, जेल में थे अच्छे थे, कम से कम टेंशन तो नहीं था। देखा ना तूने, जेल से बाहर आते ही भाग गए, पता नहीं क्या नया तमाशा खड़ा करेंगे। देख प्रशांत, ताई क्यों, क्या गलत कह रहे हैं प्रशांत, सही तो कह रहा है, सिर्फ हमें बेवकूफ बनाते हैं। कभी सोनू और प्रणव के लिए चॉकलेट्स ले आए, कभी हमारे लिए फ्रूट्स ले आए, पर बाबा कभी नहीं सुधर सकते। एक सेकेंड, तुम दोनों थोड़ा शांत रहोगे, मुझे ये लग रहा है कि बाबा गए कहाँ होंगे, वो वैसे ही पिए हुए थे, कहीं गिर विर गए होंगे, उन्हें कुछ हो गया होगा, ये नहीं सोच रहे हो तुम लोग? तुम लोग आपस में खुसर बुसर क्या कर रहे हो? अंकित जल्दी सामान बांध, हम लोग को निकलना है यहाँ से, ठीक है? चल पंडा सामान लेके अपना सामान सामान। बाबा जा रहे हैं मतलब? हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। अबे तो चुप कर, आज हमने से कोनो जबान नहीं लड़ाएगा, हम कह रहे हैं ना हमरे को जाना है, तो सामान बांध चल अपना चल। अच्छा और कहाँ लेके जाएंगे आप हमें, कहाँ रखेंगे? हाँ किसी बियर बार में या किसी किसी जुए के अड्डे पर? आपके पास कोई हवेली तो है नहीं? ए जबान मत लड़ा तू हमरे से, हमरी खोपड़ियां पहले घूमी हुई है, ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो रख के देंगे तो कहीं आई, चल सामान बांध। बाबा एक सेकंड, लेकिन आप हमें कहां ले जाना चाहते हैं? कोई कोई सवाल नहीं पूछेगा हमरे से, चल सामान बांधो सबके सब, चलो यहां से चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा सोहम, Thank you.
अर्चना जी, सोहम आपको कोई गलत फहमी हुई? नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई अंकिता। जिसे तुम लोग राघव मात्रे के नाम से जानते हो उसे मैं सोहम देशमुख के नाम से जानती हूं। ये मेरा बेटा है,